गोरखपुर महोत्सव को लेकर जीडीए उपाध्यक्ष महोत्सव समिति के नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कमिश्नरी सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि चंपा देवी पार्क में 11 जनवरी को 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आगाज होगा, जिसका शुभारंभ प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के द्वारा किया जाएगा। कोरोना की वजह से 2 साल से गोरखपुर महोत्सव नहीं हो पा रहा था, इस बार कड़ाके की ठंड में भी गोरखपुर महोत्सव में गोरखपुर के लोगों का उत्साह देखने को मिलेगा। बॉलीवुड नाइट में पार्श्व गायक पद्मश्री, कैलाश खेर और सोनू निगम सुरों की महफिल सजाएंगे। इसके अलावा अनेक लोक नृत्य और गायन की प्रस्तुतियां भी होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लोगों को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि समारोह में 90% स्थानीय और 10% बाहरी कलाकारों को मौका दिया गया है। कुल 200 कलाकार 3 दिन में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजन में स्थानीय लोक कलाकारों के साथ स्कूली बच्चों को भी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। वहीं बॉलीवुड नाइट में बॉलीवुड के कलाकार समा बांधेंगे। इसके अलावा मुख्य मंच के समक्ष 2500 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही 225 स्टॉल लगेंगे, 50 स्टॉल कमर्शियल होंगे, 20 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे, ड्रोन से निगरानी भी होगी। 11 जनवरी को क्लासिकल डांसर नेहा बनर्जी की प्रस्तुति होगी। 2:30 पर सबरंग का आयोजन होगा। शाम 6 बजे अमन त्रिखा बॉलीवुड नाइट और शाम 7 बजे कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। 12 जनवरी को सुबह 11 बजे टैलेंट हंट गायन और नृत्य की प्रस्तुति होगी। दोपहर 1:30 बजे लोक रंग का आयोजन होगा। शाम 6 बजे बॉलीवुड नाइट में अर्षित त्रिपाठी और शाम 7:30 बजे भोजपुरी नाइट में पद्मश्री मालिनी अवस्थी की प्रस्तुति होगी। 13 जनवरी को सुबह 10 बजे स्कूल कॉम्पिटिशन गायन और नृत्य की प्रस्तुति होगी। 12 बजे से लोक रंग, दोपहर 3 बजे अग्निहोत्री बंधु भजन से लोगों का दिल जीतेंगे। शाम 7 बजे बॉलीवुड नाइट में सोनू निगम सुरों की महफिल सजाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष गोरखपुर समिति के नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोरखपुर महोत्सव समिति की तरफ से नोडल अधिकारी होने के नाते मैं आप सभी का सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो हमारे सारे जो मीडिया बनते हैं, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोगों ने 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक गोरखपुर महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें 11 से लेकर 13 तक विभिन्न कार्यक्रम सांस्कृतिक, 17 तारीख तक सिर्फ मेला जो है वो कंटिन्यू रहेगा और तमाम तरह की एक्टिविटीज उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी। इसमें मैं मुख्य रूप से अगर कहूँ तो हमारा पूरा फोकस ये है कि शहर में सांस्कृतिक रूप से कला के क्षेत्र में हम लोग कैसे अपने परिवार अपने बच्चों के साथ में वहाँ पे आए। मुझे लगता है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी जब होती है तो एक समाज में जो है वो पूर्ण रूप से जो एक सामूहिक विकास जो होता है उसको बढ़ावा मिलता है। और इसके मैं आप सबके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 11 तारीख को इसका जो मंत्रालय के द्वारा जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा सुबह 11 बजे चंपा देवी पार्क, इसका वेन्यू रहेगा और उसके बाद में बाकी कार्यक्रम जो है वो कंटिन्यू रहेगी। 11 तारीख को जो पहली जो नाइट रहेगी, जो बड़ी नाइट लास्ट नाइट रहेगी, वो इवनिंग को अपना प्रस्तुति जो है वो प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद 12 तारीख को मुख्य रूप से भोजपुरी नाइट और माननीय अवस्थी मैडम जी अपनी कला को के माध्यम से हम सबको जो है सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और समिति के नोडल अधिकारी के रूप में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि गोरखपुर महोत्सव जो है वो 11 से लेकर 17 तारीख तक एक इवेंट रहेगा, लेकिन जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी जो चीज़ें वो 11 से लेकर 13 तक रहेंगे। उसके बाद शिल्प मेला जो है वो कंटिन्यू रहेगा 17 तारीख तक। इसका जो उद्घाटन है वो कल 11 बजे चंपा देवी पार्क में माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद जो समापन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 13 तारीख को किया जाएगा। कुल मिला के इसमें 200 से ज़्यादा कलाकार शिरकत करेंगे, जिसमें से लगभग 180 कलाकार जो हैं वो स्थानीय कलाकार रहेंगे और लगभग 10 कलाकार जो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर रहेंगे और लगभग 10 कलाकार ऐसे हैं जो गोरखपुर के बाहर लेकिन उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो कुल मिला के 200 से ज़्यादा के आसपास कलाकार इसमें शिरकत करेंगे। बॉलीवुड नाइट का भी आयोजन है तो कौन कौन से गायक और कलाकार? मुख्य रूप से 11 तारीख को जो है हमारे साथ में जुड़ेंगे जो पद्मश्री कैलाश खेर जी,
जी जुड़ेंगे और 13 तारीख को जो है सोनू निगम जी जुड़ेंगे और बीच में जो है दो कलाकार और हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें एक अमन त्रिखा हैं और एक जो है असित त्रिपाठी हैं। लोकल कलाकारों की सर बात की जाए तो जनपद से कितने कलाकारों को मौका दिया गया? इसके लिए एक हम लोगों ने समिति बनाई थी जिसमें यहाँ के जो लोग हैं उसकी एक लोकल कमेटी हम लोगों ने बनाई और सब लोगों ने अपने जो जो प्रोफाइल्स हैं वो सबमिट किए। उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज डेवलप की जिसमें कुछ उदयमान कलाकार हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया, जो स्थापित कलाकार हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया। इस प्रकार लगभग 180 कलाकारों को इसमें चिन्हित किया गया जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अपने अपने जो उनके जो टैलेंट है उसको प्रदर्शित करेंगे। सर अग्निहोत्री बंधु भी आ रहे हैं माननीय जी, उनको भी हम लोगों ने रखा है, एक भजन संध्या जो है अग्निहोत्री बंधु के माध्यम से रखा गया और माननीय अवस्थी मैडम जो है वो भोजपुरी जो इवनिंग है 12 तारीख की उसमें मैडम रहेंगी। सर गोरखपुर के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं और जो 3 दिन का कार्यक्रम है उस समय किस तरह से लोग शामिल हों? देखिए मैं सभी गोरखपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारी तरफ से जो पूरी समिति है गोरखपुर महोत्सव की इसकी तरफ से मैं आप सबको अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवार के साथ में अपने बच्चों के साथ में आप वहाँ पर आएँ और वहाँ पर तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं मुझे लगता है कि इस तरह के जो इवेंट होते हैं उससे पूरा शहर आपस में मिलता है, जुड़ता है और जो सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में जो हम लोग अपने आप को मैच्योर करते हैं उसमें आपको अहम योगदान मिलेगा और बच्चे काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिलेगा और इस तरह से जो है एक शहर जो है वो मैच्योर होता है और आगे बढ़ता है। पूरा का पूरा जो महोत्सव है वो हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है जिसमें बुक फेयर भी रखा गया है, विभागीय प्रदर्शनियाँ भी रखी गई हैं तो आप पाएंगे कि 500 से ज़्यादा स्टॉल वहाँ पे आपको वहाँ पे लगी मिलेंगी। सर मुख्यमंत्री भी आएंगे क्या किसी भी दिन समारोह? अभी 13 तारीख को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समापन समारोह की हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं।